નથી જરૂર એ બાજુ મકાન.
हाँ यार मस्त मस्त मस्त। पवन चक्की थी पहली बाजू जो सड़क देखा है आपको बेजर से Thank you.
જે તેમના બધા ચાલતા હોય સબસ્ટેશન કાંટા પડતા હોય ¿Qué pasa?
અમને લઈ લે છે પાણી કુલિંગ કરી નાખો બધું પાણી કુલિંગ કરી નાખો Yes, Lord. सर ये जो सोलार प्रोजेक्ट है उसकी विशेषता क्या है ये बंजर सी भूमि थी यहाँ पर और सारे डेजर्ट में अभी उपवन जैसा हो गया है सिर्फ गुजरात ही नहीं सारा हिंदुस्तान और एशिया का गौरव हमारा ये सोलर पार्क बना है हमारे लिए हम सब हिंदुस्तानवासी इनके बारे में प्राउड ले सके ऐसी ये घटना है ये सोलर पार्क का बीज बिंदु माने या तो उनका परिणाम की ओर देखे तो चीफ मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी की राजकीय इच्छा शक्ति का ये परिणाम है ऐसे बंजर सी भूमि में डेजर्ट भूमि में सोल्टी भूमि में क्या सोलर पार्क हो सकता है ऐसा सपना भी कोई न देख सके दो साल पहले यहाँ पर बंजर था यहाँ पर दिन में भी कोई आ न सके ऐसी स्थिति थी यहाँ पर आज देखे तो सारा उपन जैसा हो गया है यहाँ पर सर ये जो पूरा प्रोजेक्ट है यहाँ से पावर सप्लाई कहाँ कहाँ पर हो सकता है एक तो जो बॉर्डर एरिया सारा का सारा है वहां पर ये सप्लाई हो रहा है बीएसएफ की चौकी है वहां पर भी हो रहा है ये सारे नजदीक के डिस्ट्रिक्ट है जो हिंदुस्तान की आखिर का गांव है लास्ट गांव है ये और यहाँ से आगे देखे तो ये पाकिस्तान की बॉर्डर है ये डेजर्ट से उस पार पाकिस्तान है सबसे अहम भूमिका जो ये सोलर पार्क के कारण देश के लिए बिल्कुल सबसे ज्यादा अच्छी बात है ये है कि नेशन सिक्योरिटी के बारे में जो हम चिंता करते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में बॉर्डर एरिया में से माइग्रेशन करके लोग ये एरिया छोड़ देते हैं तो सबसे यहाँ पर माइग्रेशन बंद हो जाएगा बाहर से लोग यहाँ पर रोजी रोटी के लिए आ रहे हैं रोजगारी के लिए बाहर जाना ये हर रोज की घटना थी ये बंद हो गया और बाहर से लोग यहाँ पर बॉर्डर पर आ रहे हैं सर यहाँ पर कितनी एनर्जी जनरेट की जाएगी और वो कहाँ कहाँ तक भेजी जाएगी एक तो सपना ये था कि यहाँ पर क्या सोलर में से इतनी बड़ी ऊर्जा प्राप्त हो सकती है लेकिन ये हो गया 200 मेगावाट से ज्यादा पावर प्रोडक्शन में आ गया है यहाँ पर और गुजरात 600 मेगावाट पावर इस 19 तारीख को देश को समर्पण करने जा रहा है मैं मानता हूँ कि अपने आप ये बड़ी घटना है कभी हमने सुना था कि जापान या तो यूरोप या तो अमेरिका जैसे देश कुछ क्रांति कर सकते थे लेकिन हमारा हिंदुस्तान भी कुछ कर सके ऐसी घटना पहली दफा गुजरात ने कर दिखाया है कि सौर ऊर्जा में से भी
हम काफी कर सकते हैं। 100 रुपया से हम बाइक चला सकेंगे, हम अपनी कार भी चला सकेंगे। पेट्रोल का समस्या वैश्विक समस्या से उनका उकेल कौन निकाले, तो हम किसान अपने ट्रैक्टर भी 100 रुपया के कारण कर सके, और पानी खींचने का जो पंप होता है तो पंप भी 100 रुपया के कारण कार्यरत हो जाएगा। उसके अलावा आप कुछ कहना चाहेंगे सर इस प्रोजेक्ट के बारे में? मैं सारी हमारे क्षेत्र की प्रजा की ओर से राज्य के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी का बहुत बहुत दिल से सारी प्रजा की ओर से आभार मानना चाहूंगा कि उन्होंने बिल्कुल सरहदी क्षेत्र में, बिल्कुल बैकवर्ड एरिया जो माना जाता था, इस क्षेत्र में ये सोलर प्लांट की जो पसंदगी की, हमारी सारी प्रजा की ओर से बहुत बहुत हम आभार मानते हैं। सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम है मुजाद खान बी ठेबा। आप कहाँ रहते हैं? हम रहते सिजाड़ा, सातरपुर तालुक का सिजाड़ा गांव। अच्छा, ये यहाँ पर प्रोजेक्ट जो सोलर प्रोजेक्ट आया है चारण गांव में, उनसे आपको क्या फायदा हुआ है? उससे हमारे यहाँ ये तो पसाद विस्तार था, इसमें बहुत लोगों को रोजी रोटी मिल रही, कोई साधन वाले को काम मिला, ट्रैक्टर वाले को भी काम मिला, गाड़ी वाले को भी काम मिला, और हमने यहाँ पानी देते हैं, पानी का कोई कॉन्टेक्ट रखा, कोई सिक्योरिटी में रहा, ये गरीब लोगों को बहुत रोजी रोटी मिली इधर, इससे बहुत विकास हुआ है। ये प्रसाद एरिया का, ये प्रसाद एरिया था, उसमें यह तो सारा मैं मानता हूँ गुजरात में प्रसाद पे प्रसाद एरिया ये था। ये अपना मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये विस्तार पसंद करके यह जो इतना सोलर प्रोजेक्ट किया है, इससे बहुत बहुत फायदा हुआ है। मुख्यमंत्री का बहुत बहुत आभार है कि उसने ये प्रसाद एरिया में इतना बड़ा सोलर प्लांट रखा है, और हमें हमारा एमएलए का भी पकड़ी लेना। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गढ़वी प्रकाश है। अच्छा प्रकाश भाई, आप कहाँ स्थिर ऊपर बोल दो। ओके प्रकाश भाई, आप कहाँ के रहने वाले हैं और यहाँ पर सोलर प्रोजेक्ट आने से आपको क्या फायदा हुआ है? मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ, मैंने बीए तक अभ्यास किया है, और इस हमारा अभ्यास की वजह से हमको रोजगार के लिए दूसरे गांव में जाना पड़ता था, और जो बाहर जाते तो वेतन का पूरा हम एडजस्टमेंट नहीं कर सकते थे। हमारे गांव में और हमारे नजदीक में ये प्लांट आने से हमको ऐसा फायदा हुआ कि पूरा वेतन मिलता है, और जो हम हमारा जो इनकम मिलती है उसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं, दूसरा भी काम साइड में कर सकते हैं, घर पे रह के हमारा घर का जो साइड का काम है वो भी कर सकते हैं। तो हम इसी चारण का गांव से और गांव के सभी लोगों से हम हमारे एमएलए शंकर भाई चौधरी हाथ के 15,192 गांवों में से हमारा एक ऐसा पसाद गांव चुना, और हमारा गांव इसी विकास की जरोहड़ में प्रज्वलित हो रहा है, और सभी गांव के जो अनपढ़ लोग थे, जो शिक्षित लोग थे, सभी को यहां पर रोजगार मिला, और जो जिसमें काम करने की कुछ तकनीक थी उसको और तकनीक नहीं थी उसको युवाओं को बाहर ले जाके ट्रेनिंग दी 2-3 दिन की, और सभी को ट्रेंड किया गया, और उसकी वजह से हम गांव के युवान वर्ग और सभी यहां पर आके हमारा काम मांग सकते हैं, और हमको पूरी तरह से काम मिलता है और पूरा गांव को फायदा मिला है, इसी वजह से हम आभार मानते हैं। थैंक यू। सर सबसे पहले आपका नाम और डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? मैं गुजरात पावर कॉरपोरेशन से हूँ, और मेरा नाम भरत गोस्वामी है, यहाँ का मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। सर ये जो पूरा सोलर प्रोजेक्ट है उसकी विशेषता क्या है? पूरा सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है विश्व में फर्स्ट नंबर का प्रोजेक्ट है, और टोटल अभी 5,000 एकड़ लैंड में से करीब 2,000 एकड़ लैंड सब 20 डेवलपर को अलॉट हो गया है, तो अभी 231 मेगावाट पावर जनरेट हो गया है। आने वाले समय में कितना पावर जनरेट होगा कुल मिलाकर? और अभी टोटल ये प्रोजेक्ट 500 मेगावाट का है, अभी आधा ही हुआ है, बाकी लैंड अभी प्राइवेट लैंड एक्विजिशन गवर्नमेंट करेगी, उसके बाद सब डेवलपर को दूसरा डेवलपर आएंगे और दूसरा प्लांट डालेंगे। कुल मिलाकर कितना प्रोजेक्ट का, जो पूरा प्रोजेक्ट है उससे कितना पावर जनरेट होगा? वो टोटल रेडी हो जाने के बाद तो इधर 500 मेगावाट बोला मैंने, टोटल सोलर पार्क का, सोलर पार्क के बाहर के तो भी और भी 900 मेगावाट सोलर पार्क के बाहर है। इसमें
इसके अलावा जो ये हमारे यहाँ से जो पावर जनरेट होगा वो कहाँ कहाँ पर भेजा जाएगा? अभी तो जेटको में जाएगा, जेटको ले रही है। उसके अलावा आपको जो कुछ विशेषताएं लगती है इस प्रोजेक्ट की, इस प्रोजेक्ट के जरिए देश को या आम आदमी को क्या फायदा रहेगा? आम आदमी को यहाँ लोकल में सबको धंधा रोजगारी में बहुत अच्छा फायदा रहेगा, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने चार पांच दिन पहले जो हमारा पीडीपी पंडित जनरल यूनिवर्सिटी जो है गांधीनगर, वहाँ यहाँ लोकल विलेज का जो लड़के जो थे सेवन कक्षा से लेकर ट्वेल्थ तक या ग्रेजुएशन तक सबको वहाँ ट्रेनिंग दिया है, तो अभी वो जो ट्रेनिंग करके वापस इधर आए हैं वो सबको इधर सभी एक डेवलपर के वहाँ नौकरी मिलेगी। और जो लेडीज लोग हैं तो पेनर सफाई करने के लिए और सब करने के लिए पहले चारंगा को चांस मिलेगा, फिर अगल बगल का पूरा सादरपुर तालुका को भी चांस मिलेगा। कुल मिला के गुजरात या गुजरात के बाहर कहीं पर यहाँ से एनर्जी दी जा सके? हाँ, गुजरात के बाहर भी जा सकती है, गुजरात के बाहर भी जा सकती है। तो आस पास के जो गाँव है उसको इस सोलर प्रोजेक्ट से क्या फायदा होगा, उसको बिजली किस तरह से दी जाएगी? आस पास के गांव को बिजली के लिए तो वो तो गवर्नमेंट डिसीजन लेगी। सर, खास तौर पर देखा जाए तो हम जो जीबी है उसमें जो पावर सप्लाई का रेट है और ये सूर्य ऊर्जा का जो पावर सप्लाई का रेट, उसमें क्या डिफरेंस रहेगा या उसी दाम में दी जाएगी? अभी तो डेवलपर जो अपना जो है वो करीब 12 रुपए बिजली गवर्नमेंट उसको देगी, 12 रुपए के हिसाब से। मतलब ये जो सोलर से जो एनर्जी मिल रही है वो आम एनर्जी से सस्ती मिलेगी या नहीं? सस्ती होगी, सस्ती होगी। ओके।